कुल ऋण कितना था और विगत पांच वर्षों में 2018 से 2024 तक कुल कितना ऋण सरकार ने लिया, कृपया एक तो ये बताएं। और दूसरा ये है कि जो आपका द्वितीय बिंदु है उसमें गत सरकार के पांच वर्षों में चिकित्सा क्षेत्र में औसत वार्षिक व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत रहा तथा वर्तमान सरकार का कितना प्रस्तावित किया गया है, बताने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारी गत सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2017-18 में जो 31 मार्च 2018 को हमने उसमें राज्य में कुल ऋण और दायित्व 2,81,182 करोड़ रुपए था और वर्ष 2023-24 में कांग्रेस शासनकाल में राज्य के ऋण व अन्य दायित्व दुगने से भी अधिक बढ़कर 5,70,646 करोड़ रुपए पहुंच गए, जिसके फलस्वरूप राज्य के ब्याज भुगतान में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगी कि 1950 से 51 तक 2017 से 18 मतलब 50 51 से 17 18 तक मतलब 67 वर्षों में भी राज्य सरकार ने कुल ऋण व दायित्व जो लिए थे वो 2,81,182 करोड़ रुपए था, जबकि कांग्रेस सरकार ने 67 वर्षों में जितना ऋण लिया गया वो 5 वर्षों में ले लिया उन्होंने और ऋण लेकर राज्य के ऊपर भार जो है 2,89,464 रुपए बढ़ा दिया गया। और इस तरह से जो है पिछली सरकार ने जो है डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो जो था 2017-18 में 33.77% था और 2023-24 में 37.34% था, मतलब 4% इंक्रीज हो गया है। और हमने जो हमारे प्रथम पूर्ण बजट में ही डेप्ट टू जीएसडीपी रेशियो को कमी करते हुए 35.97% तक सीमित रखने का प्रयास किया है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि हमारे चिकित्सा के अंदर कितना व्यय किया गया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को और अधिक विस्तार करने के लिए वित्तीय वर्ष में हमने करीब 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो पूरे बजट का 8.26% बढ़ावा था। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख की बात है कि दुगने से भी ज्यादा और 1900 भाषण दे रहा हूँ प्रश्न आपने अध्यक्ष महोदय पूछेंगे राजस्थान के लोगों को लाभ दिया कर्जों में, ऊपर से कर्जों भाषण वाली बात शर्म दिया आप लोगों को। मिस्टर रोहित अगली बार खड़े हुए यू विल बी आउट। मैंने अभी प्रश्न ही नहीं उनका है, विपक्ष के नेता बैठे पर आपको खड़े होने किसे का। हाँ माननीय सदस्य, हाँ माननीय सदस्य को पूछा तो पूरा प्रश्न भाषण, ये तो मेरा अधिकार है, इसको कैसे रोको। आप पूछिए, आप बैठिए सरकार के, ये माननीय सदस्य का अधिकार है दूसरा पूरक प्रश्न पूछना, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, इस सदन को चलाना, किस माननीय सदस्य को बुलाना, व्यवस्था रखना, ये आसन का काम है। और कोई जबरदस्ती बीच में ही शुरू हो जावे, मेरा संविधान है उनको टोका जावे, और टोकने के बाद यदि नहीं माना जावे तो नामित किया जावे, और नामित के बाद नहीं किया जावे तो फिर दूसरी व्यवस्था की जावे। तरीके से गत सरकार ने माननीय अध्यक्ष महोदय इस राजस्थान को कर्जे में डाला, मेरा माननीय मंत्री महोदय से ही निवेदन है कि आगे आने वाले इन 5 सालों में वो क्या योजना रखती है, इस विषय में हमको थोड़ी जानकारी। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने वर्ष 2024-25 के परिवर्तित अनुमानों के अनुसार कुल ऋण व दायित्व 6,40,687,27,00,000 रुपए होना अनुमानित है और RFBM अधिनियम 2005 के अनुसार इसे GSDP का 38.220% तक लाया जाना वांछित है। अगला प्रश्न है श्री चंद्रमान सिंह चौहान, प्रश्न संख्या 175। उखाड़ लिया, एक सेकंड बोलिए। एक जैसे कि माननीय मंत्री मंत्री जी जो जवाब दिया है वो पिछले 5 वर्षों का दिया है, तो इस वर्ष क्या प्रस्तावित है, कितना ऋण लेना प्रस्तावित किया है सरकार ने। सर मैंने अभी सर
यही मैंने अभी बताया था कि वर्ष 2024 के परिवर्तित बजट अनुमानों के अनुसार कुल ऋण व दायित्व 6,40,687 करोड़ 27 लाख रुपए होना अनुमान